तो चलिए शुरू करते हैं। अब्बास बेटा, अभी मैंने इन्हें चाय बना के दी है सबको, सबने चाय पी है और अब मैं शाम का खाना बना रही हूँ। बर्तन मैंने अभी धोने हैं, ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, इनको अब मैं धोऊंगी। बाकी सुबह का काम कर लिया हुआ है, अब ये शाम का काम है और शाम का अब करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आज सिंपल से करेले बना रही हूँ, उसमें एक में आलू ऐड कर रही हूँ। और हाउसवाइफ की डेली की यही रूटीन होती है, खाना बना लिया, बच्चों को खाना दे लिया और बच्चों को संभाल लिया और घर संभाल लिया। तो आज हम बना रहे हैं प्याज करेले, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। बहुत ही मज़े के माशाल्लाह से बनते हैं प्याज करेले। जल्दी बोल। और ये मैंने करेले फ्राई किए हुए हैं, ज़्यादा ब्लैक ब्लैक करेले मैं नहीं करती, इनको हल्का सा ये कलर इनका रखती हूँ, इनमें ज़्यादा टेस्ट आता है। जो हम ब्लैक ज़्यादा करेले कर देते हैं तो उनमें इतना टेस्ट नहीं आता। तो हम रेडी करते हैं फिर, आज की हमारी रेसिपी भी होगी और हमारी रूटीन भी आपको हम दिखाते हैं कि हम शाम से लेकर तो रात तक की क्या हमारी रूटीन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये देख लें जी, हमारा आज का सालन रेडी हो गया है माशाल्लाह से। देखिए कितनी प्यारी लुक लग रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो चले, हम एक काम निपटा लिया हमने, अब हम बाकी काम अपने करते हैं, जो जो हमारे काम हैं। ये लीजिए, हमारी रोटी का टाइम हो चुका है, अब हम बनाने लगे हैं 3 अदद रोटियां। तो बच्चों के लिए नहीं बना रहे, सिर्फ अब किसके लिए बना रहे हैं? ये ले जी, अब हमारी रोटी का टाइम हो चुका है, हम बनाने लगे हैं 3 अदद रोटियां सिर्फ और सिर्फ। कुछ पसंद करते हैं घर की रोटी खाना, कुछ पसंद करते हैं बाहर से रोटी खाना तंदूर की, तो इसलिए हम 3 अदद बनाएंगे। जो ये खानी पसंद करेंगे वो ये खा लें, जो बाहर से खाने पसंद करेंगे उनके लिए बाहर से आ जाएगी। तो फिर इनको अब रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमने कितनी प्यारी रोटियां रेडी कर ली हैं, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। अब 3 अदद मैंने रोटियां बनाई हैं, इनको अब हम जिसने खानी उनको देकर आएंगे ना भाई। अब हम सालन डालते हैं और अंदर रोटी देकर आते हैं। तो दूसरा काम भी खत्म हो गया, अब अगला काम हमारा थोड़ा सा जो होगा वो हम करेंगे, पहले हम रोटी देकर आते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये देखे जी, और सालन भी हमने डाल लिया है, अब हम इसको लेकर जा रहे हैं। ये देखिए जी, खाना शाना खा के तो सब मस्तियां स्टार्ट कर दी हैं। देखो बेटा, साद और फहीम अपनी मस्तियों में स्टार्ट हैं, खाना शाना खा के फ्री हो गए तो बाद में इनके ये काम स्टार्ट हो जाते हैं। और उमर अपना काम कर रहा है, स्कूल का इंटेलिजेंट बच्चा, अच्छा बच्चा है, अच्छी बात है। उमर आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।